था और उससे पहले वो जरूर हार गई थी। मुकाबला शुरू हो गया है पहले दौर में, भारत बनाम वियतनाम। निखत जरीन है रेड कॉर्नर पर और ब्लू कॉर्नर पर है थीटम न्यूयेन और अटैकिंग स्किल्स के लिए जानी जाती है निखत जरीन। और ये है भारतीय बेंच, भास्कर भाट टीम के मुख्य कोच और पिछले कुछ वर्षों में इनके मार्गदर्शन में कमाल का प्रदर्शन किया है भारतीय महिला मुक्केबाजों ने। शुरुआती लम्हे में अटैक करके बढ़त बनाने की कोशिश होगी लेकिन यहां पर क्लेंच और रेफरी का इंटरवेंशन आता हुआ। साउथ पॉ बॉक्सर है थीटम न्यूयेन। अगर बात करें निखत जरीन की तो निखत जरीन ऑर्थोडॉक्स स्टांस के साथ खेल रही है। पहला दौर बेहद अहम होने वाला है, हाइट के मामले में लगभग बराबर है दोनों के दोनों। एक और इंटरवेंशन आएगा जो कड़क पंचेस लगाएगा। यह है वियतनाम का बेंच, उन्हें पता है कि बेहद मुश्किल मुकाबला जीतकर वो आई हैं यहां पर। थीटम न्यूयेन की बात करें तो उन्होंने फ्रांस की वसीला खदीरी जैसी इन फॉर्म मुक्केबाज को फाइनल तक के सफर में हराया है। और थीटम न्यूयेन शुरुआती लम्हे में बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है, अटैकिंग इंटेंट दिखाया है। एक और इंटरवेंशन आता हुआ और यहां पर कॉशन दिया है रेफरी ने न्यूयेन को। एक बहुत बड़ा मुकाबला है, अगर निखत जरीन इस मुकाबले को जीतती हैं तो लगातार दो विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक जीतकर एक नया अध्याय जोड़ेंगी भारतीय। और यहां पर एक अंक कट गया है न्यूयेन का, यह भारत के लिए शुभ संकेत है। पहले दौर में ही लगातार कौशन दे रही थी रेफरी, यहां पर बढ़िया क्लीन इंपैक्ट डालने में सफल हुई है न्यूयेन, जो अटैकिंग इंटेंट दिखा रही थी। बिल्कुल एक करारा प्रहार जड़ा है उन्होंने निखत जरीन पर। और यहां पर जो दो बार की एशियन चैंपियन है न्यूयेन, पहले दौर में अपना इंपैक्ट छोड़ती हुई, एक अंक कटा है, देखना होगा उसका कितना प्रभाव पड़ेगा निर्णायकों के ऊपर। निखत जरीन जिन्होंने कहा था कि वो स्ट्रैटेजी के साथ मुकाबले में आगे बढ़ रही हैं और सिर्फ फाइनल को एक अन्य मैच की तरह ले रही हैं, फाइनल के प्रेशर में नहीं आना चाहती। और एक बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है, जब पिछले एक वर्षों में आप विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीत चुके हो, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीत चुके हो और शानदार फॉर्म में खेल रही हो तो जरूर वहां पर आपका कॉन्फिडेंस आगे आता होगा। एक और क्लेंच आता हुआ, पहले दौर में ज्यादा समय बचा नहीं है। क्या यहां पर एक जाते जाते कड़क पंच निखत जरीन की तरफ से, पहले दौर का खेल जरीन बिल्कुल एक नया इतिहास रचने के लिए अग्रसर है, एक कदम दूर है ये एक नए इतिहास को रचने के लिए। दूसरी बार स्वर्णिम सफलताएं दिला पाएंगी भारत को, जब भी अगर उनका ये स्वर्ण पदक आता है तो नए कीर्तिमान रचना भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात। और रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरतें, सर को उठाकर खेलें, बहुत ही आशाएं पूरे भारत को भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन से। तेलंगाना राज्य से संबंध रखती है निखत जरीन और रेफरी द्वारा निखत जरीन को नियमों का उल्लंघन करने पर वार्निंग दे दी गई है। सर को वो बार बार नीचे कर रही थी जिस वजह से उनको वार्निंग दी गई, तो हेड अप करके खेलना होगा, यानी कि दोनों ही मुक्केबाजों को एक एक बार। राउंड वन में वियतनाम की मुक्केबाज को वार्निंग मिली थी और राउंड टू में अब प्रारंभिक क्षणों में ही भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन को भी वार्निंग दे दी गई है। यानी कि जब रेफरी देखता है नियमों का उल्लंघन होता है, रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि नियमबद्ध तरीके से पूरे मुकाबले को सुचारू रूप से चलाए। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है मुक्केबाज तो उसको कॉशन दिया जाता है और तीन बार कॉशन दिया जाता है, यदि उसके बाद भी पुनरावृत्ति होती है तो वो कॉशन वो गलती गलती में ना रहकर एक अपराध का बोध ले लेती है, तो उसी अपराध के बोध को होते हुए दंडित किया जाता है। प्रयास अच्छे हैं यहां पर भारतीय मुक्केबाज के, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती हुई यहां वियतनाम के मुक्केबाज पकड़ रही हैं अपनी प्रतिद्वंदी को।
रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, बगल में दबाए नहीं अपनी प्रतिद्वंदी के मुक्कों को। आप किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में, किसी भी क्षण प्रतिद्वंदी की प्रहार क्षमता को रोक नहीं सकते हैं, बाधित नहीं कर सकते हैं किसी खेल को। रेफरी द्वारा निर्देश, दोनों ही मुक्केबाजों को ब्रेक का निर्देश दिया गया। ब्रेक के निर्देश में आपको एक दूसरे से दूर होना होता है। निकल जरीन को पुनः कौशल दिया गया कि आप धकेले नहीं, पुशिंग ना करें। प्रयास अच्छे भारतीय मुक्केबाज के, स्टेट जैब के साथ प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रही है। साउथपा बॉक्सर है वियतनाम की मुक्केबाज। कद काठी की बात करें, दोनों ही एक समान। स्पीड गेम ज्यादा देखने को मिलेगा इस भार वर्ग में और स्किल ज्यादा देखने को मिलेगी। इंडोर वर्कआउट की पूरी क्षमताएं यहां पर दिखती हुई। यह प्रयास अच्छा था वियतनाम की मुक्केबाज का। स्टेट जैब बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने प्रारंभ क्षमता का प्रयोग किया, मगर साथ में गलती करी कि अपने पूरे बॉडी वेट के साथ अपनी प्रतिद्वंदी के साथ क्लिंच किया और रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया सावधानी बरतें। अंतिम 10 सेकंड का ये खेल, ये राउंड, दूसरा राउंड चल रहा है, अंतिम क्षणों में है। ये टाइम ब्रेक लिया यहां पर रेफरी द्वारा और यह मुकाबला पुनः चलता हुआ। और ये है आनंद, प्रहार क्षमता बहुत अच्छी भारतीय मुक्केबाज की। ये मुकाबला डाउन द वायर जाने वाला है। तीसरे और अंतिम दौर में जो समय 3 मिनट का है, 3 मिनट दोनों मुक्केबाजों के पास है विश्व चैंपियन बनने के लिए। और विश्व चैंपियन बनने की जो आप मेहनत करते हैं, जो त्याग करते हैं, जो कठिन साधना करते हैं, उसको दिखाने की बारी। अटैक यहां पर आता हुआ दोनों ही मुक्केबाजों की तरफ से, क्लिंच और उसके बाद रेफरी का इंटरवेंशन। और इस मुकाबले में आने से पहले प्रैक्टिस सेशन या कहीं पर चोट लगी है निखत जरीन को होठों पर, वो साफ नजर आ रही है। लेकिन देश के लिए लड़ने का जो जज्बा है और जो अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने का जो मादा है इस बड़े मुक्केबाज में, आज उस फाइनल में नजर आ रहा है। ये की बात बहुत ज्यादा चपल है अपने फुटवर्क के मामले में और निखत जरीन को ओपनिंग नहीं दे रही है। यहां पर एक राइट क्रॉस दंदनाता हुआ जड़ दिया है क्लीन इंपैक्ट पर। क्या यहां पर एक स्टैंडिंग एट आएगा? जी हां, यह भारत के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। सीधा राइट क्रॉस, थी चैमलू ये इनके चेहरे पर चढ़ा था और यह स्टैंडिंग एट काउंट आ गया है। और इस स्टैंडिंग एट काउंट ने भारत के तरफ इस मुकाबले को बहुत हद तक स्विच कर दिया है। एक तो बढ़ा था और उसके बाद ये स्टैंडिंग एट काउंट। निखत जरीन पूरे शबाब पर है, जो फॉर्म उन्होंने पूरे इस टूर्नामेंट में दिखाया था। यहां पर एक बढ़िया पंच आता हुआ थी चैमलुएन की तरफ से। क्या यहां पर एट काउंट इस बार जरीन के लिए है, स्वीकार रही है यहां पर मैग्नेटिक काउंटिंग। जब एक प्रहार क्षमता का प्रयोग होता है आनंद, तो यहां पर रेफरी देखता है तो रेस्ट भी देता है मुक्केबाज को और संभालने की कोशिश। और वो सबसे पहले फिंगर्स को जो आप देखते हैं तो वो देखते हैं प्रहार क्षमता इतनी शक्तिशाली तो नहीं है, क्या मुक्केबाज जो है वो खेलने की स्थिति में है, मूर्छित तो नहीं हो रहा है, इसलिए फिंगर्स को हिलाकर एट काउंट की जाती है। और वो देखता है कि वो खेलने लायक है तो मुकाबले को आगे निकलता है, नहीं तो 9-10 करेगा। कमाल का मुक्केबाजी प्रदर्शन दोनों ही तरफ से हो रहा है। पहले पंच झड़ा जरीन ने और उसके बाद नुयेन ने, क्या कमाल का तीसरा दौर घटा है। बिल्कुल एक नेल बाइटिंग फाइनल फिनिश की तरफ यह मुकाबला जाता हुआ। अंतिम के 20 सेकेंड बचे हैं, इस 20 सेकेंड में दोनों ही तरफ से प्रयास होगा एक कड़क पंच जड़ने का। केडी जादव इंडोर हॉल में इलेक्ट्रीफाइंग एटमोस्फियर है इस समय। और इस बार प्रयास किया था वहां पर लेफ्ट क्रॉस के जरिए नुयेन ने, एक और क्लिंच आता हुआ और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त हो गया है। Declared by unanimous decision. I'll be the last one left.